महानगर के अंदर लगातार हो रही बरसात से जलजमाव की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। शहर के जल निकासी के लिए बने 11 रेगुलेटर पर अधिक से अधिक पंप चलाने के लिए नगर आयुक्त द्वारा निर्देश जारी कर दिया गया है, जिससे कि शहर में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न न होने पाए। इस संबंध में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण रेगुलेटर के दरवाजे बंद करने पड़ गए। रेगुलेटर बंद हो जाने की वजह से जो भी बारिश का पानी आ रहा है उसके लिए सभी रेगुलेटरों पर पर्याप्त क्षमता के लिए पंप लगाए गए हैं, जिन्हें लगातार चलाया जा रहा है। पूर्व की भांति इस वर्ष जल निकासी के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने बताया, बारिश शुरू होते ही हमारी रूटीन एक्सरसाइज है कि जहां भी वाटर लॉगिंग की समस्या होती है वहां पंप लगाए जाते हैं। आप जानते हैं शहर में 11 रेगुलेटर हैं, 11 रेगुलेटर पर विभिन्न क्षमता के ढेर सारे पंप लगे हुए हैं। इस बार थोड़ा सा पिछले वर्षों की तुलना में पानी राप्ती नदी का जल्दी बढ़ गया, जिससे हमें रेगुलेटर के दरवाजे बंद करने पड़े। रेगुलेटर्स बंद हो जाने की वजह से जो भी बारिश का पानी शहर में आ रहा है, निचले इलाकों का पानी या शहर का पानी आउट ऑफ ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण से जो अपने आप बह जाता है राप्ती नदी की ओर, वो नहीं जा पा रहा, हमें पंप आउट करना पड़ रहा है। तो पर्याप्त क्षमता के पंप लगे हुए हैं, लगातार हम लोग पंप चला रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ये बात ज़रूर आ रही है कि पानी लगने के बाद उसको निकलने में एक समय लगता, उससे भी हमारे कर्मचारी और अधिकारी लगातार लगे हुए हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि न्यूनतम संभव समय में ये पानी निकल जाए। व्यवस्था पिछले वर्षों में होती रही है, उससे अतिरिक्त व्यवस्था इस वर्ष की गई है, और जहाँ कहीं भी अगर कहीं भी कमी की शिकायत आ रही है या कहीं कोई ऐसी बात प्रकाश में आ रही है तो वहाँ पर अतिरिक्त पंप लगाया जा रहा है।